हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में ए थिंक ऑफ ब्यूटी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझेंगे और जिसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन है आपका है बॉट इमेज। बॉट इमेज मतलब होता है कौन सी छवि, और डज हो गई क्या, हेल्पिंग बार जो पोइट है ना क्या करता है, यूज़ मतलब प्रयोग करता है। तो कभी क्या कर रहा है, यूज़ तो कर रहा है, मगर वो कह रहे हैं क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इमेज मतलब कौन सी छवि का प्रयोग करता है और काय के लिए करता है। टू डिस्क्राइब मतलब वर्णन करने के लिए, और काय का वर्णन करने के लिए, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और बाउंटी मतलब होते हैं उपहार, सुंदर उपहारों का वर्णन करने के लिए। किसके सुंदर उपहार, ऑफ मतलब के, काय के, द अर्थ मतलब पृथ्वी के सुंदर उपहारों का वर्णन करने के लिए कभी किस छवि का प्रयोग करता है। एक बार वो समझ लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन में बॉट इमेज मतलब कौन सी छवि पोइट ने क्या की है, यूज की है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी छवि का कवि ने प्रयोग किया, और काय के लिए, टू डिस्क्राइब मतलब वर्णन करने के लिए, ब्यूटीफुल बाउंटी मतलब सुंदर उपहार, और काय के, ऑफ द अर्थ पृथ्वी के सुंदर उपहार के, सुंदर उपहारों का वर्णन करने के लिए कवि ने किस छवि का प्रयोग किया। तो हमें क्या बताना है, इसमें छवि का नाम बताना है। चलिए तो आंसर को देखते हैं। तो आंसर में क्या लिखा है, द पोइट मतलब कवि यूज करता है किसका, इमेज मतलब वो छवि का प्रयोग करता है। कौन सी छवि, तो छवि का नाम लिखा है, कौन सी छवि का प्रयोग किया है, एंडलेस मतलब अंतहीन, और फाउंटेन मतलब होता है झरना या फुब्बारे को भी बोला जाता है। तो किसका प्रयोग किया है, अंतहीन झरने का प्रयोग किया है, लेकिन वो झरना काय का है, ऑफ मतलब का है, काय का है, इमॉर्टल मतलब होता है अमरता, और ड्रिंक मतलब क्या होता है, पेय, अमरता के पेय का झरना है। मतलब कहने का तात्पर्य जो झरना बह रहा है ना, वो काय का बह रहा है, अमरता का जल बह रहा है उससे, मतलब ये जल नहीं बह रहा। तो किस छवि का प्रयोग किया है, एंडलेस फाउंटेन मतलब अंतहीन झरने का प्रयोग किया है। उसने अपने मन में कौन सी छवि बनाई है, एंडलेस फाउंटेन की बनाई है उसने, और वो झरना काय का है, ऑफ मतलब का, इमॉर्टल ड्रिंक का, अमरता के पेय का झरना बह रहा है। तो ये आंसर हो गया। तो किस छवि का प्रयोग किया है उसने, एंडलेस मतलब अंतहीन, फाउंटेन मतलब झरना, कौन सा झरना, एंडलेस झरना है, और किस चीज का झरना बह रहा है, वो इमॉर्टल ड्रिंक का, अमरता के पेय का झरना बह रहा है। और इस छवि का प्रयोग काय के लिए किया है, टू डिस्क्राइब मतलब वर्णन करने के लिए, और काय का वर्णन करने के लिए, ब्यूटीफुल बाउंटी, और काय की, ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की सुंदर उपहारों का वर्णन करने के लिए छवि का प्रयोग किया है। अब आगे लिखा जो कहना चाह रहा है कि जो अर्थ है ना, लाइक मतलब के समान है, काय के समान है, आ फाउंटेन मतलब एक झरने के समान है। वो मन में एक छवि बना रहा है कि जो पृथ्वी है ना, वो काय के समान है, एक झरने के समान है। जिस प्रकार से झरना, जब अपन झरने के पास में खड़े होते हैं तो झरने का जल जो हमारे ऊपर बरसता है ना, तो कवि ने यहां पर मन में यूज किया है कि जो पृथ्वी है वो काय के समान एक झरने के समान है, और वो झरना क्या कर रहा है, पुअर्स मतलब उड़ेल रहा है, ऑन टू मतलब होता है पर, अस मतलब हमारे ऊपर, उड़ेल रहा है, और क्या उड़ेल रहा है, नंबरस मतलब होता है असंख्य, ब्यूटीफुल साइट उड़ेल रहा है। मतलब ये पृथ्वी किसके समान है, एक झरने के समान है, और जिस प्रकार झरना हमारे ऊपर जल बरसाता है, तो ये पृथ्वी क्या कर रही है, वो जल नहीं बरसा रही, क्या बरसा रही है, ब्यूटीफुल साइट बरसा रही है हमारे ऊपर। और कौन से साइट, लाइक मतलब जैसे सन है, ये सुंदरता लिखी है, और मून है, फ्लावर्स हैं, रिवर्स हैं, ग्रीनरी हैं, ये चीजें हमारे ऊपर पृथ्वी क्या कर रही है, बरसा रही है। तो कवि ने यहाँ पर वो पृथ्वी को क्या बता दिया है, झरने के समान बता दिया, जिस प्रकार से झरना हमारे ऊपर जल बरसाता है, पृथ्वी भी एक झरने के समान है, बट वो क्या बरसा रही है, अपनी सुंदरता हमारे ऊपर उड़ेल रही है। चलिए तो एक बार और देख लेते हैं आंसर में। तो आंसर में क्या लिखा है, पूछा गया था कवि ने किस छवि का प्रयोग किया, तो अपन ने आंसर में लिख दिया, एंडलेस फाउंटेन मतलब अंतहीन झरने का प्रयोग किया है, कभी ना खत्म होने वाला झरना है, और काय का है, इमॉर्टल ड्रिंक मतलब अमरता के जल बरसा रहा है। तो इसका प्रयोग किया काय के लिए, टूरिस्ट का मतलब वर्णन करने के लिए, ब्यूटीफुल बाउंटी सुंदर, वो सुंदर उपहारों का, और काय के, ऑफ द अर्थ के। अब यहां पर कभी कहना चाह रहा, जो अर्थ है ना, वो लाइक मतलब के समान है, काय के समान है, फाउंटेन मतलब झरने के समान है, और वो झरना क्या कर रहा है, पुअर्स मतलब उड़ेल रहा है, ऑन टू मतलब पर, अस मतलब हमारे ऊपर, उड़ेल रहा है वो झरना, पृथ्वी वाला झरना, और क्या उड़ेल रहा है, नंबरस ब्यूटीफुल साइड मतलब असंख्य सुंदर दृश्यों को हमारे ऊपर उड़ेल रहा है वो झरना, और कौन से झरने, लाइक मतलब जैसे सन है, मून है, फ्लावर्स हैं, रिवर्स हैं, और ग्रीनरी हैं, ये हमारे ऊपर पृथ्वी क्या कर रही है, एक झरने के समान सुंदरता हमारे ऊपर बरसा रही है।